ओके हाय रेडी गुड मॉर्निंग। साइकोलॉजी का हम करने वाले हैं ये एचएससी बोर्ड वाला 7th चैप्टर 12th स्टैंडर्ड। ओके सो मेरी बहन वीडियोस देखती है मेरी, बोलती भैया आप कैसे रहते हो, गंदे गंदे तरह से नहा धो के भी नहीं आते, सुबह सुबह वीडियो बनाते हो, ब्रश भी नहीं करते, टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ सॉरी लेकिन अच्छे वीडियो बनाता हूँ ना, है ना। तो कमेंट्स आए हैं कि हाँ आप लाइन वाइज उन गर्ल्स की तरह, नाइस नाइस गर्ल्स की तरह वीडियोस मत बनाइए कि जहाँ लाइन लाइन वर्क पढ़ा रहे हो, आप पूरा चैप्टर का बनाओ। तो दैट्स व्हाट आई थिंक आई शुड बी डूइंग, बिकॉज वही सही है कि हाँ पूरा चैप्टर का समरी हो जाए। तो आज मैं बता रहा हूँ समरी ऑफ 7th चैप्टर फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ है। टेक्स्ट बुक रखो हाँ साथ में, अपने विजुअल देखना सुनना सब साथ में होना चाहिए, तीन सेंसेस साथ में होना चाहिए, देखना सुनना और बोलना, बोलते रहना मेरे साथ। यस गुड हो जाएगा, डोंट वरी। 24th मार्च को एग्जाम है और इस वक्त 24th फेब भी नहीं आया, लेकिन आपके प्रीलिम्स चल रहे होंगे, है ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी। रोज मेरे वीडियोस देख तो 5 मिनट के अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, प्रॉमिस। यस लास्ट वीक पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी फिर। यस चलो फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ, वाव द बेस्ट चैप्टर, इजिएस्ट चैप्टर। तीन चार छोटी छोटी बातें दी हुई है इसमें, दिया हुआ है मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड होता है एमएचएफए, साउंड गुड, सम नर्स मेड इट। फिर देन वी टॉक ऑफ एल्गी, साइंस स्टूडेंट्स में भी नोइंग एल्गी, बट दिस इज एल्गी, ओके फाइन। एंड देन यू हैव दिस वाई डू वी नीड हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ एंड वाई पीपल डोंट गो फॉर हेल्प मेंटल हेल्थ, द रीजन्स। एंड देन द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंगजाइटी एंड इंटरनेट ओवर डिपेंडेंस, ये चार टॉपिक्स हैं, दैट्स इट, खत्म। द इजिएस्ट चैप्टर, 100% स्कोरिंग एंड यू कैन फिनिश इन वेरी शॉर्ट टाइम। फाइन 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर और 4 मिनट्स में डन, सुनते जाओ बस, एन्जॉय। टेक्स्ट बुक को साथ में फिर, सो इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट थिंग द गिविंग इज 10% पीपल सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, योर फ्रेंड्स मे बी सफरिंग, तो हाउ डू यू डिटेक्ट देम। सो बेटी नर्स, शी कॉट होल्ड ऑफ दिस साइकोलॉजी प्रोफेसर एंथनी जॉब एंड दे मेड दिस, नो नर्सेज हैव मोर नॉलेज, हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज देन डॉक्टर्स। We found people have mental health and their symptoms, so there should be a method to judge and catch these symptoms. So she made a program MHFA, Mental Health First Aid. Okay, and now Chennai city has got a license for this, the first license in India. Okay, so you help your friends in your class whether they are having some issues or not. We do that usually, right?